अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको हानपुर डैम का विज़िट करवाऊंगी और ये है शाह अलादिता गांव, जो कि आपको देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा स्केरी है। अगर आप लोग हानपुर डैम की तरफ जा रहे हैं तो इस जगह से मत जाइएगा। ये एक तो देखने में तो बहुत आपको अच्छा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा स्केरी था। जितनी हमारी गाड़ी का साइज था उतने ही इसके रोड्स थे, पूरा का पूरा जंगल था। सीनरी वाइज तो ये जो गांव था वो बहुत वर्थ कैप्चरिंग था, लेकिन अगर आप इस रूट को फॉलो कर रहे हैं हानपुर डैम की तरफ जाने के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस रूट से बिल्कुल मत जाइएगा। इस जगह को देखने के बाद जो मेरे दिमाग में एक सेंटेंस आ रहा था वो ये था कि डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, एंड इस लोकेशन के लिहाज से ये सेंटेंस बिल्कुल सूटेबल था। आगे जाके आप वो वीडियो में देखेंगे कि ये मैंने सेंटेंस क्यों यूज़ किया था। जी फाइनली हम लोग 2.5 आवर्स उस विलेज में स्टक रहने के बाद हानपुर डैम जो है पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले तो हम यहाँ पे बोट की राइड करेंगे। बोट की राइड से हम लोग दूसरी साइड में जाएंगे जहाँ पे हम लोग पैरा सेलेंगे। इस राइड के चार्जेस थे 3000 रुपीज़ और 10 मिनट्स तक आप लोग इस राइड को ले सकते हैं। ये सारा इसका व्यू था। हम लोगों ने बोट राइड ली और सामने पैरासेलिंग राइड ली, उसके बाद काफ़ी भूख लगी थी। हानपुर डैम के थोड़ा सा आगे आप जाएँ तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जिनकी बिरयानी जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी और इसका व्यू भी बहुत अच्छा था। आज की मेरी वीडियो इतनी ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।